गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सर से एजुकेशन पे आपका HSL की जो चल रही थी उस आज हम मैंने 4 जुलाई तक आपको करा दिया था। 4 जुलाई की 4 5 आगे की जो तो आपके साथ पहली ये फर्स्ट शिफ्ट है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें क्या जोड़ा गया है? बताइए क्या जोड़ा गया है। 42 इन चारों में से देख रहे हैं हमें, जोड़ने को तो बहुत कुछ जोड़ा गया था 42वें संविधान, अपने को क्या करना है इन चारों में से देखना है। इनमें से क्या जोड़ा गया था? ये मौलिक कर्तव्य, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, अगला देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लवलीन बोरगोहेन एक खिलाड़ी है, मतलब पूछा गया कि कौन सी खिलाड़ी है, किसी हॉकी की नहीं है, बास्केटबॉल की नहीं, बॉक्सिंग की है, क्रिकेट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग, ठीक है। वर्ल्ड जो है वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती इन्होंने, ठीक है। डब्लिन बोरगोहेन ने 2018 में इन्होंने शायद जीती थी ये, तो बॉक्सिंग हो जाए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित किसके बीच संबंध सही है? द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। घरेलू आय, बाजार आय, बाजार बराबर बाजार मूल्य पर इंडिया ए डोमेस्टिक इनकम NDP एट मार्केट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NDP एट मार्केट प्राइस बराबर GDP एट मार्केट प्राइस प्लस डिप्रेसिएशन। सही संबंध देखना है हमें, बाजार मूल्य पर GDP बराबर कीमत प्लस और सेवाओं की मात्रा नहीं है। राष्ट्रीय आय बराबर कारक लागत पर NDP प्लस विदेश से निवल कारक आय। नेशनल इनकम इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आय जब हम निकालते हैं तो विदेश से निवल कारक आय जो आती है हमारी, ये उसमें जोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को अच्छे से पता होगा अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, वाइस वर्सा, वाइज अवाइज फंडामेंटल ड्यूटीज। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के विषय में गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है। ठीक आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। दे आर ऑब्लिगेटरी नेचर, ये स्वभावतः अनिवार्य है, गलत गलत ही पूछ रहा है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये तो सही है। फिर कह रहा अनुच्छेद 51 की शुरुआत एक ठोस राष्ट्रीय चरित्र के लिए मजबूत आधार तैयार किया गया है, ये भी सही है भाई। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी मतलब 11वें मौलिक कर्तव्य को 78वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो ये तो गलत है। क्या हो गए? दो हो गए हमारे गलत, चौथा गलत और पहला गलत स्टेटमेंट।
अब बताओ, ऑप्शंस में कहीं आंसर है ही नहीं, एक और चार। ठीक है, देखो कितना सोच के दिया है, ऑप्शंस में एक और चार एक साथ नहीं है, एक एक साथ नहीं है। अगर हम एक को देखें, एक को करना चाहें तो एक एक साथ नहीं है, तो हमें फिर इस पर क्या करना पड़ेगा, आंसर लगाना पड़ेगा केवल चार। हालांकि ये दे आर ऑब्लिगेटरी नेचर, ये स्वभावतः अनिवार्य नहीं है, ये आपकी मर्जी पर छोड़े गए हैं, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, चौथा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं हमें फंसाने वाले। अगला देखो, पिंजौर विरासत उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पिंजौर विरासत जो उत्सव उत्सव है ये दोस्तों, ये पंचकुला में, हरियाणा, आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंचकुला में यादवेंद्र गार्डन है, वहां पर हर साल दिसंबर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित से किस राज्य में बारिश के दौरान, त्योहारों के दौरान पाई गाने सरिया नृत्य के साथ गाए जाते हैं? ये पाई गाने सरिया नृत्य के साथ मध्य प्रदेश में गाए जाते हैं, जो बरसात आती है तो ये पाई गाने वहां पर इसके साथ मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन चलो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य, इस राज्य के समूह साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? सबसे कम है बिहार और अरुणाचल, और इन दोनों में भी बिहार की कितनी है, 61.8, और अरुणाचल की कितनी है, अरुणाचल की है दोस्तों 63.3। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिहार और अरुणाचल। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? क्या कहा गया है कि संयुक्ता पाणिग्रही, इनका संबंध है ओडिसी नृत्य, थोड़े नृत्य ओडिसी नृत्य शैली की है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये अपने को क्या करना है, पहचानना है। अब देखिए, पहला, भारत का योजना आयोग1950 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है ये। भारत ने पंचवर्षीय योजना का विस्तार पूर्व सोवियत संघ से, सही है। भारत की योजना आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को दी गई, ये भी सही है। ये देखो, डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड वर इनवाइटेड टू एडवाइज ऑन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर, नहीं फर्स्ट में नहीं बुलाया, बाद में बुलाया था वैसे, हालांकि हमारे यहाँ के तो थे के एन राज, इन्होंने जो है, के एन राज ने पंचवर्षीय योजना के लिए जो है विशेषज्ञता, आर्थिक विकास पर सलाह देने का कार्य किया, ठीक है, और विदेश से नहीं। तो गलत तो क्या होगा, इन तीनों में, सॉरी इन चारों में यही गलत है, और जो गलत है वही पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों, में लिखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका है? चारों में देखिए, कौन सी एक हिंदुस्तानी संगीत, आप जानते हो संगीत जो है शैलियां दो प्रकार की, एक तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक, ठीक है, इनमें जो है हिंदुस्तानी इसकी है शुभा मुद्गल, ठीक है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका कौन से, शुभा मुद्गल। ठीक
समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022, द मेरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रीय जल दस्युता रोधी विधेयक, इसको प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया। देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, पहले ऑप्शन में देखते हैं यूनाइटेड नेशन रीजनल सीज कन्वेंशन रिलेटिंग टू रिप्रेशन पायरेसी ऑन हाई सीज, नहीं, यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन ओशन रिलेटिंग टू रिप्रेशन ऑफ पायरेसी ऑन हाई सीज, खुले समुद्र में समुद्र डकैती के दमन से संबंधित महासागरों पर संयुक्त राष्ट्र की संधि है, फिर खुले समुद्रों में सी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज रिलेटिंग टू प्रेशन ऑन पायरेसी ऑन हाई सीज। खुले समुद्रों में समुद्री डकैती के दमन से संबंधित महासागरों और समुद्रों पर संयुक्त राष्ट्र संधि, ये है ये इसका, सॉरी ये डी वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये डी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ओशियंस एंड सीज रिलेटिंग टू रिप्रेशन ऑफ पायरेसी। मतलब हमें ये सब एक जैसे दिख रहे हैं देखने को तो, लेकिन हमें इन चारों में से एक सही निकालना है दोस्त। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। खुले समुद्र का यहाँ पर आ गया, वो खुले समुद्र में डकैती का मन से राष्ट्र क्षेत्र वो अपन ने देख। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकी प्लेनेट इज द फास्टेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस अबाउट 29 माइल्स 47 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे मतलब सौरमंडल में चट्टानी ग्रह का सबसे तेज कौन सा है बताओ, जो इसमें जिसका जो है स्पीड बताई गई है कि 47 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से है, बताओ ये कौन सा है सबसे तेज है 29 मील वाला। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बुध सबसे ज्यादा ये, क्योंकि चट्टानी ग्रह है ये। अगला देखो, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस नौका दौड़ की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? केरल करता है, पनमुदा, ये तो सबको ही पता है, बहुत सिंपल है, पनमुदा झील में ना 1370 मीटर लंबी रेस होती है ये। ओणम जब मनाया जाता है सबके दौरान, ठीक है दोस्तों, ओणम उत्सव के दौरान। ओणम उत्सव के दौरान अगला देखो, क्रिकेट में जब गेंदबाज बल्लेबाज की पहुंच के भीतर गेंद नहीं फेंकता है और इसे अंपायर द्वारा कहा जाता है वाइड, रेड बॉल नहीं होगी, यॉर्कर नहीं होगा, नो बॉल नहीं होगी, वाइड, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला देखो, दो या अधिक लौकी पर गैर युग्मक जीनों के बीच अंतःक्रिया की घटना जिसके परिणाम स्वरूप एक जीन दूसरे जीन की फेनोटाइपिक अभिव्यक्ति को छुपाता है, द फिनोमिनन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलियक जीन्स एट टू और मोर लॉसी रिजल्टिंग इन वन जीन मास्किंग द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, ठीक है, नॉन एज क्या होगा ये? अपूर्ण वंशानुगति नहीं, लिंकेज नहीं, हाँ एपिस्टासिस कहलाता है ये। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एपिस्टासिस।
प्रद्येश्वर मंदिर जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है कहां पर स्थित है, तो यह है साहब तंजावुर में, चोल राजा राज राज प्रथम ने इसको बनवाया था। ऑल्सो ये क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। तो बृहदेश्वर मंदिर, तो मंदिर द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये किसने बनाया था, 1010 AD में बनवाया था इसको, चोल राजा राजराज प्रथम ने। तो अपना क्या हो जाएगा आंसर, तंजावुर। अगला देखो क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस को भारत का ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है, इसे भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है, बताओ इनमें से। तो लिंडी कैमरॉन, इनको भारत में ब्रिटिश उच्च आयुक्त बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शासक, पढ़िए, कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था। धर्मपाल, ये क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका है इसी में ही, और मैं 4-5 बार आपको इसको इलस्ट्रेट कर चुका हूं, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था लगभग 200 सालों तक, इसमें पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट फंसे रहे। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। तो ये धर्मपाल उससे था, आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपाल। अगला देखो, एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान की जाती है, क्योंकि पहचान किससे करेंगे, क्या उसे नंबर से। अगला, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन ने भारत के सभी के लिए बुद्धिमत्ता की मूलभूत समझ बनाने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल की पहल की है, बताओ इन चारों में से कौन सी कंपनी है जिसने सभी के लिए AI के लिए ये पहल की है दोस्तों। तो कौन सी हो जाएगी ये, इंटेल, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंटेल कंपनी। अगला देखो, बंदरगाह, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, लो तूतीकोरिन हल्दिया कांडला मोरमुगाओ, ये आ गया पहले भी। तो गोवा को हो जाएगा मोरमुगाओ, पश्चिम बंगाल का हल्दिया, गुजरात का कांडला और तमिलनाडु का ये, अब मिला लो 1A, 2D, 3C, 4B, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। चलो अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको विशिष्ट सेक्शनों या टेक्स्ट के प्रकार, विशिष्ट सेक्शनों या टेक्स्ट के प्रकार को स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के बाहर रखने की सुविधा देता है, तो ये हो जाएगा एक्सक्लूजन डिक्शनरी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्सक्लूजन डिक्शनरी। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। मैंग्रोव वन कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। अगला देखो, आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, फोटोनिक, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन। अंतिम देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है, पाइका रिबेलियन, सन्यासी विद्रोह पर, सन्यासियों ने किया था, इसके नेता थे पंडित भवानी चरण, पंडित भवानी चरण के नेता थे,
ठीक है, गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई गई थी इसमें। अगला आते हैं अपने अगले जो है क्वेश्चन, अगली अब आ गई हमारी 4, 5, 6, 7 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट। ये हमारी कौन सी हो गई? सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट हो गई। सात जुलाई। अब देखो यहां प्रश्न, विच एमएस एक्सेल फंक्शंस कैन बी यूज टू सम अप द नंबर्स एंटर्ड इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल के समूह में दर्ज संख्या को जोड़ने के लिए किस एमएस एक्सेल फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये है सम। निम्नलिखित किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ है? मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ घने सफेद पीले बादलों से बना है। Which of the following planets atmosphere is made up of thick white and yellowish clouds sulfuric acid? तो किसका बना हुआ है साहब ये? ये शुक्र का होगा, क्योंकि जुपिटर तो किससे है? हाइड्रोजन और हीलियम। मंगल, हालांकि हिंदी यहां थोड़ी गलत है, हिंदी ये आएगा नहीं है, ये यहां पर क्या आ जाएगा? वरुण। और यहां पर क्या आ जाएगा? बृहस्पति। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम से है, मंगल किससे है? आयरन, निकल, आयरन निकल से बना है। और ये नेपच्यून, ये किससे बना है? वाटर, पानी, गर्म पानी, भाप वाले, है ना, और अमोनिया से, मीथेन से, सॉरी, पानी, मीथेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र किससे बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर सही क्या होगा इसमें? आंसर हो जाएगा हमारा ए, वीनस। अगला, मराठी भाषा किसकी है? इंडो आर्यन, ऑस्ट्रिक, चीन, भारत, किस समूह की है मराठी भाषा? बेसिकली इंडो आर्यन की हो गई हमारी। आंसर हो जाएगा ए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं साहब। ये पहला ही आपके पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बैडमिंटन खेलते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, अडॉप्ट के लिए पूछा है। देखो यार, अडॉप्ट के लिए पूछा गया है। दो डेट्स हैं जिनमें कंफ्यूजन रह सकता है, तो उनको याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो यहां पर क्या पूछा गया है? उन्होंने अपनाना, अपनाना कब हो जाएगा? अडॉप्ट कब हो जाएगा? 26 नवंबर। अगला देखो, मेंडल के किस नियम के अनुसार एक द्विगुणित बीज जीव अपनी संतति के लिए एक गुण के लिए एक यादृच्छिक रूप से चयनित विकल्पी स्थानांतरित करता है, जिससे कि संतति प्रत्येक माता पिता से एक युग्म विकल्पी को प्राप्त करती है? क्या हो जाएगा इसका? स्वतंत्र चयन का नियम बताओ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नहीं नहीं होगा, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, हाँ ये पृथक्करण का हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, पृथक्करण का। दूसरे पे जाने की जरूरत अपने को है ही नहीं। अगला देखो, हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना में कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत लागू किया गया है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, कार्य की न्याय संगत एवं मानवीय स्थिति का प्राकलन, पर्यावरण का संरक्षण, सहकारी आधार पर। ये है साहब, सहकारी आधार पर जो है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। ठीक है, आठवां देखो, 31 मार्च 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष कौन थे? मनोज सोनी थे। ठीक है,
और अभी कौन आ गई है, प्रीति सुदान। प्रीति सुदान वर्तमान में तो है यूपीएससी की क्या है, अध्यक्ष है। अगला देखो, कौन सा देश 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, भारत नहीं करेगा साहब, जापान करेगा। 2026 में जापान एशियाई खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने तो जिल्ले लाही के रूप में, ये था गयासुद्दीन बलबन, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। फिरोज शाह नहीं, इल्तुतमिश नहीं, ये आ गया बलबन, बलबन आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बलबन, है ना। सिजदा पाबूस वगैरह ये भी बलबन के सवाल आए हुए हैं, मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं। तो जिल्ले लाही मतलब ईश्वर की छाया, और ये पारसी तो शासन था उसको ये जो है कॉपी करते थे। पारंपरिक ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैलियां, ठुमरी तो भैया कथक की है, अब देखते कथक है कि नहीं, कथकली नहीं, सतरिया नहीं, यस कथक, कुचिपुड़ी नहीं। तो ठुमरी और लयात्मक गीत शैलियां किसकी है, कथक। आंसर क्या हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित है, ओहो पब्लिक सेक्टर भी ऑपरेटेड एंटिटी, यह है साहब भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड, भेल। अगला देखो, किस समाज सुधारक ने किसके प्रयासों से 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया, पारित किया गया, बताओ। तो देखो है ही नहीं इसमें, पर ये ईश्वर चंद विद्यासागर या आत्माराम पांडू, इससे ईश्वर चंद, ये सवाल मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूं, आ चुका इसी में ही, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, बताओ। 1960 में लंबाई के मानक मापक को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया गया, क्रिप्टोन का तो किया गया, पर साहब क्रिप्टोन में भी कौन सा था ये, 88 90 86 86। रूप नारायण के HCL में केबल निर्माण संयंत्र यह किस राज्य में है, ये तो शायद पश्चिम बंगाल में, एक बार देखो, हरियाणा असम आंध्र प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल, तो आंसर यही है पश्चिम बंगाल। गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है जिनका जन्म हुआ था पोरबंदर, पोरबंदर में। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में डेटा स्रोत से डेटा को मुख्य दस्तावेज में सिमिलर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है साहब ये प्रक्रिया, वर्ड प्रोसेसिंग से डेटा मेल मर्ज, आंसर क्या हो जाएगा, मेल मर्ज, डेटा संचयन नहीं होगा, डेटा संकलन, डेटा एकत्रीकरण, आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखो, प्लास्टिक दो और सोना लो योजना वर्ष 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के गांव में शुरू की गई, भाई साहब ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई, और ये मान लो आपकी 20 क्विंटल प्लास्टिक का कचरा लाओ और सोने का सिक्का ले जाओ, ये बहुत अच्छी योजना थी, वो पूरी पंचायत ही जो है प्लास्टिक कचरे से मुक्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, भारत की मानक भूमध्य क्या है, 83.30 हो जाएगी है ना, 83.30 ईस्ट में आएंगे हम, मेरिडियन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं कौन है साहब, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सी एक एकाधिकार की विशेषता ही है, कौन सी एक एकाधिकार की विशेषता ही है, बताओ, एकाधिकार की विशेषता नहीं,
एक विक्रेता और कई क्रेता, विक्रेता का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होना, एक क्रेता और कई विक्रेता, और डी में कहा है कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक क्रेता होगा और कई विक्रेता होगा, मोनोपोली होगी नहीं। एक विक्रेता है कई क्रेता है तो मोनोपोली हो गई। आंसर क्या हो जाएगा? 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान नील कुमार थे साहब। ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस राज्य के लोकप्रिय त्योहार से जुड़ा है? ओहिरा फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है साहब, बताइए ओहिरा फेस्टिवल कहां से जुड़ा हुआ है? झारखंड हो जाए। भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है कौन है 2024 तक? 2024 तक तो इनको बनाया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, है ना? 2024 तक, मार्च 2024 तक ज्योतिरादित्य एम सिंधिया थे साहब। अभी वर्तमान में किंजरपुर, नाम इनका किंजरपुर राममोहन नायडू है वर्तमान में सिविल एविएशन मंत्री। अगला देखो, भारत की जनगणना 2011 के, भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है साहब? किसकी है साक्षरता दर कम? अलीराजपुर की। दोस्तों ये हमने दो शिफ्ट कर ली है, अगली शिफ्ट जो है के बाद आपको तीसरी और चौथी शिफ्ट मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, टेक केयर।